सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लंच करने, और अब क्या हम दोनों नहीं अलग अलग छाते ले लिए हैं क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है। इसने तो दुबई को भी फेल कर दिया, मैं सही बताऊँ तो सच में इतनी भयंकर धूप है कि मॉर्निंग में हम सनराइज ले गए थे तब भी हल्की हल्की टैनिंग आ गई सिर्फ एक या दो घंटे के अंदर, वो भी कितने बजे का टाइम, 6 या 7 बजे के बीच का टाइम। तब हमने ऑब्वियसली सुबह उठे हैं तो हमने सोचा फटाफट से उठ के सनराइज देखते हैं, यार वो फेमस है तो हम सनस्क्रीन तो लगाए ही नहीं। सुबह कौन लगाता है 6 बजे? इतनी टैनिंग हो गई, मतलब फुल लेयर दिख रही थी, ब्लैक ब्लैक आ गई है। अब लंच करते हैं, लेट्स सी व्हाट स्पेशल टुडे, और उसके बाद हमारा एक एक्टिविटी बाकी है जो कि जेट स्की की, तो हमारा स्लॉट 3 बजे का है तो हम उसको परफॉर्म करते हैं। अभी इंडियंस लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ थोड़ी शेडो है, ज़रा छाता बंद कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एड ऑन एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लू फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट है तो आप चाहें तो ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने पैकेज के अंदर, और यहाँ पर कॉस्ट करेगा $111 आपका पर कपल। और अगर बात करें सी ब्रीज लंच की तो ये आपको कॉस्ट करेगा $122, और रोमांस कपल डिनर आपको कॉस्ट करेगा $250। ये बहुत अच्छा है, बट अभी हम पहले जाके स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पता करने जा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के यहाँ पे टाइमिंग है, और टाइमिंग से अगर लेट हो गए तो फिर आई थिंक कहीं मिस ना हो जाए। हेलो यार, गुड नेम, ओके ओके विल चेक। सो गाइस ये है फन ट्यूब, इसमें क्या करेंगे आपको बांध के, सॉरी आपको नहीं, इस कॉफी को जैसा है जो है बैठ के आपको टाइप करेंगे और फिर इसको खींचेंगे आपके बोर्ड से, तो आप जो हैं आप ग्लाइड करेंगे वाटर के ऊपर। मैं साइड इफेक्ट डाल दूँगा, इस तरीके से होता है आपका। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं जेट स्की जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, स्कूटर। हाँ इंडिया में और दिल्ली में तो हम सड़क पर चलाते हैं, आज पानी में चलाएंगे। ट्राई कर लिया, आज पानी में करेंगे। तुम बताओ, तुम तो सड़क पे अच्छे से नहीं चलाया, यहाँ पे क्या चलाओगे? और एक क्या कहते हैं जो सबसे बोरिंग है, मेरे को तो बोरिंग लगती है, बाकी आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मैंने बहुत चलाया है ये, मेरे को जो फेवरेट था मेरा गाइज, मेरा बहुत मन था कि मैं फ्लाई बोट ट्राई करूं, क्योंकि इसमें जो फील आता है वो आयरन मैन की तरह आता है ना, ऊपर उड़ जाते हैं, तो मेरा बहुत मन था। तो दुबई में हम लास्ट ट्राई नहीं कर पाए थे, सो मे बी अब कहीं नया ट्रिप बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे फ्लाई बोट, बट अभी भी वो मेरी लिस्ट में है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दैट आइडिया। सो देखिए अभी किसी का प्लेन आया हुआ है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। We are all set. A good name? Hussain. Are you? We morning. Yeah, morning. In slow motion, then later you're comfortable. Then slow speed up like this. First is too much push. You know flipping fast. Also? Sorry? You know flipping also? You might be a professional, huh? Yeah. So guys, finally our jet ski is coming. And हम जाएंगे राइड पे, विल ट्राई टू कैप्चर सम गुड शॉट्स एंड वीडियो आप लोगों के लिए, और आप बताइएगा आपको कैसा हमारे लगता ये जॉय राइड लगा, हम एंजॉय कर रहे हैं इधर, आई होप आप भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा,
आपको बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अभी मैं इसका बैक व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ पड़े हुए हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पे शेल्स बहुत अच्छे हैं साथ में, देखिए मैम बता रही हैं पूरा वाइट। देखो वो भैया स्टार्ट कर रहे हैं। मैम को यहाँ पे शेल बहुत पसंद आते हुए, और वाकई में बहुत सुंदर शेल है इधर। अब जैसे ये देखो ये बड़े वाला, वाह उठो देखो सीरियसली यार, देखो पानी के अंदर, सही यार बहुत सही है। ओ देख 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 बड़ा वाला मिला, बड़ा वाला शेल, ओ माय गॉड ये तो शंख है पूरा। रोशनी में दिखा, रोशनी दिखा, रोशनी इधर इधर, सही यार तो पूरा शंख है। उसकी फोटो क्लिक करते हैं, तरह ही बनता है देखो, है ना। अभी हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने, और अभी हमने गियर्स ले लिए हैं, सॉरी ये तो मेरा इक्विपमेंट गियर्स है, गियर्स मैम के पास है स्नॉर्कलिंग गियर्स जो है, और लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस, चलते हैं। सो गाइस दिस इज द गियर्स, चलो और हमारे साथ और भी फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा ग्रुप है जो हमारे साथ सेम चल रहा है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है स्नॉर्कलिंग का। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने गियर्स ले लिया फुल, और स्विमिंग मुझे नहीं आती, बट हाँ सरफेस पे होती है तो ही इज देयर, ही नोस स्विमिंग, आई नो स्विमिंग बट नॉट एट द प्रोफेशनल लेवल। बस ये है लाइफ जैकेट पहन के कूद जाओ, हाथ तर मारते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। पर हम इसके भरोसे हैं, हमें नहीं आती स्विमिंग। डॉल्फिन दिखाई दिया है।
रॉन्ग पिन, हाथ पकड़ के। सो गाइस बहुत लकी है जो डॉल्फिन दिख गई। तो वो दिखाई दे रही है। ओके गाइस वी आर गोइंग अप। Wow! Now they disappear. Guys, we are with Hussein. Hello. And we are very lucky with the help of Hussein. We got to see the two dolphins. And again, we are hoping that we will see that. So we are at the terrace of this ship. The sea, look at me behind. Entire sea. पहना दिया है, नाक मेरी बंद हो चुकी है क्योंकि ये नाक को बहुत क्लोज कर देता है, नाक से हम सांस नहीं ले पा रहे, हम तो चलाते हैं बोल रहे हैं। और सैनिटाइज ऐसा किया है कि एलोवेरा से स्मेल आ रही है। और ये सांस लेने के लिए है, ये फूकनी के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज। नर्वस सभी कंडीशन एक जैसी है। अभी चलते हैं और मैम को लेके आते हैं, मैम वेट कर रही होंगी और मैम को भी इस व्यू का एक्सपीरियंस कराते हैं। तो चलिए मैम को लेके जाते हैं और जो पाथ है बहुत नैरो है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। सो गाइस बहुत नैरो पाथ है, आप जैसे देख सकते हैं। चुका है अभी ये सारे इक्विपमेंट गेयर्स वापस दिए हैं। अब बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे आके लगता है हाँ मालदीव में अपने मालदीव की बेस्ट चीज़ करी है। हाँ। जो स्नॉर्कलिंग है, मतलब यही फेमस है और यही आके करना चाहिए एक हाँ। बार चलो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो है जेट स्की और स्नॉर्कलिंग कर सकता है। स्नॉर्कलिंग तो बिल्कुल कीजिएगा हाँ, मतलब यार मैं तो फॉर्चुनेट मांगूंगा क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम से दिखी नहीं थी, ना तो मंता फिश दिखी थी और ना आपका शार्क्स। थैंक यू शार्क्स दिखी थी ना टर्टल्स और हमें सारी चीज़ें मिली कोइंसिडेंटली।
फॉर्चुनेटली थैंक गॉड हमें सब कुछ दिख गया आज। और एक मंता फिश तो इतनी बड़ी थी, मैं इतनी एक्साइटमेंट में इसको बोलता ममता ममता, तो ममता तो निकला नहीं, ममता ममता निकलता रहा, मेरी ममता ममता। जस्ट लव इट। 506 मैम, व्हेयर इज 506 6 वाटर विलो, डायरेक्शन फॉर वाटर विलो 506। Yeah, buggy is there. So guys, we are now going to our water villa that is left for the special purpose. This is our buggy. स्पेशल होगी हमारी एनिवर्सरी मॉर्निंग में, तो आओ अभी और भी आइटम्स बाकी हैं तो अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वर्थ, एवरीथिंग इज़ वर्थ, छोटी छोटी चीज़ें मिलके पूरा एक एक मेमोरी क्रिएट होती है, बहुत अच्छा स्पेशल हो जाता है। तो वही मूवमेंट्स, छोटे छोटे मूवमेंट्स जो है मेमोरीज क्रिएट कर देते हैं बेसिकली। तो घर से आए थे तो ये सारा प्लान था हमारे दिमाग में, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, गॉड हमें हर चीज़ देखने को मिल गई। हाँ तो थैंक यू गॉड, मतलब हमारे कृपा से सब कुछ टाइमली एग्जीक्यूट होता ना हर चीज़ का, वो भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो गाइस मुझे लगता है आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेजिंग मोमेंट्स बाकी हैं, तो आप बने रहिएगा और शेयर सम मोर प्रीशियस मोमेंट। सो अभी के लिए ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसके दो पार्ट बना देता हूँ। ये ब्लॉग मैं अभी ही तो ख़त्म कर रहा हूँ, सेकंड ब्लॉग में वाटर विला टूर आपको देते हैं, करते हैं। होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन साइन ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाटर विला में।